हाय गाइस, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक कार चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। उस वीडियो का नाम है ब्रेक सिस्टम फॉल्ट। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ट्रक सेगमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा एयर प्रेशर सिस्टम यूज़ किया जाता है। एयर प्रेशर सिस्टम जो यूज़ किया जाता है उसमें एयर पाइपलाइन लगी हुई होती है। उन एयर पाइपलाइन में बहुत सारे कोड नंबरिंग होते हैं। नंबरिंग आपने देखा होगा 1, 0, 21, 22, 23, 24, इस तरीके के आपने नंबर देखे होंगे। लेकिन ये मालूम नहीं, कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये वो नंबर किस लिए हैं, क्यों है और कैसे हैं। तो गाइज, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप उन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर इसमें से एयर आ रहा है और आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और आपको आप मिलने वाली है बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस जो कि BS6 एड ब्लू सिस्टम के ऊपर आने वाली है, मेरा नया वीडियो। और आप देखेंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जल्द से जल्द आप अपना प्रिपरेशन करेंगे और देन अच्छा सा इनकम भी करेंगे, अर्न करेंगे। तो गाइज, हमारा वीडियो स्टार्ट होता है और हम बात करते हैं ईयर ब्रेक सिस्टम पोर्ट के ऊपर। तो ईयर ब्रेक सिस्टम पोर्ट, हालांकि ईयर ब्रेक सिस्टम पोर्ट में दो तरीके के डिजिट, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डिजिट में क्या होता है, 0 का मतलब होता है सेक्शन, 1 का मतलब होता है इनपुट, 2 का मतलब होता है आउटपुट और 3 का मतलब होता है सिग्नल या कंट्रोल, या 4 का मतलब होता है एग्जॉस्ट या रिलीज। लेकिन वहां पे हम बात करते हैं सेकेंड डिजिट की, फर्स्ट का मतलब होता है प्राइमरी यानी कि रियर, सेकेंडरी यानी कि फ्रंट, थर्ड हैंड ब्रेक और फोर्थ ऑक्सिलरी टैंक। कोई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने छोटा सा एक सर्किट ड्रा किया है ताकि आपको इन पोर्ट के बारे में समझा सकें कि इस पोर्ट का असली में मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे एक ईयर कंप्रेशर बनाया, इसका नाम हम लिखते हैं ईयर कंप्रेशर। इसका नाम हमने ईयर कंप्रेशर है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक ईयर फिल्टर बनाते हैं, एयर फिल्टर असेंबली। ये एयर फिल्टर असेंबली हो गई। यहां से एयर फिल्टर असेंबली के बीच के पाइप लगा होता है स्नॉर्कल, उस पाइप से यहां से ये एयर आती है। तो यानी कि सक्शन वाला एरिया को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन क्या कर रहा है, कंप्रेशन सक्शन कर रहा है, हवा को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो इसको हमने 0 से डिनोट किया है, 0 से। लेकिन कंप्रेशन हवा खींचने के बाद फिर हवा कहां देगा, वो यहां पर एयर ड्रायर में। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, इसमें आउटपुट, यानी कि सक्शन हवा खींचा और 2 मतलब आउटपुट। आउटपुट अब ये जा कहाँ रहा है, एयर ड्रायर में। तो एयर ड्रायर में क्या है, इनपुट। तो हम एयर ड्रायर के पास जाके देखेंगे तो वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको, इनपुट, यानी कि इनपुट है इनपुट। एयर ड्रायर से दो तरीके, एयर ड्रायर से दो पोर्ट निकलते हैं। एक पोर्ट होता है अपना पर्जिंग टैंक, पर्ज टैंक, इसको बोलते हैं पर्ज टैंक। पर्ज टैंक लगा निकला हुआ होता है, इस पर्ज टैंक में जो नंबर पड़ा होता है 1 और 2, ठीक है, ईयर ड्रायर में। ये आपका है ईयर ड्रायर, ईयर ड्रायर, ईयर ड्रायर से आपका यहाँ पे मिलेगा आपको 2 नंबर। अगर ईयर ड्रायर के पास से जहां से आउटपुट निकलेगा वहां से 2 नंबर आउटपुट, इधर 2 नंबर का आउटपुट है। देन इसके बाद इधर आने वाला है ये सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व, सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व, सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक नंबर, यानी कि इन। बाकी ये चार पोर्ट, इसको चार मीनार भी बोलते हैं, फोर वाल्व भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व को। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें चार पोर्ट होते हैं, चार पोर्ट, यानी कि इसका यहाँ से निकलने वाला आप देखेंगे, हमने क्या बताया था, जो भी प्रेशर आउटपुट होगा उसका उसको 2 नंबर से डिफाइन करेंगे, यानी कि हमने 2 इधर भी 2 इधर भी 2 और देन इधर भी 2, तो हमने तीनों को 2 2 2 से किया। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी मतलब इसके बाद का जो नंबर आएगा, इसके बाद जो नंबर आएगा हम उसको इससे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। मतलब प्राइमरी बहुत जरूरी है, सेकेंडरी उससे कम जरूरी है, थर्ड हैंड ब्रेक वाल के लिए, फोर्थ ऑक्सिलरी टैंक के लिए। तो प्राइमरी यानी कि रियर ब्रेक के लिए हम यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी फ्रंट ब्रेक के लिए भी प्रेशर यूज कर सकते हैं, और थर्ड हैंड ब्रेक के लिए और फोर्थ ऑक्सिलरी टैंक। तो गाइज हम बताना चाहेंगे आपको, ये आपको ईयर टैंक, यहाँ पे ईयर टैंक है, ये ईयर टैंक, यहाँ ईयर टैंक है। तो यहाँ पे एक मतलब मींस है गया, यहाँ पे 21 नंबर पोर्ट, आपने देखा होगा कि 21 नंबर पोर्ट होता है, ठीक है।
देन 21 नंबर पोर्ट हो गया। यहाँ पे एयर टैंक में आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये येलो कलर का टैप लगा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। देन नेक्स्ट हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारा जो पोर्ट आएगा क्या आएगा यहाँ पे, टू टू आ गया मतलब आउटपुट, और ये सेकंड टैंक है, इसका मतलब क्या होगा सेकेंडरी या फ्रंट ब्रेक के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास एक टू ये है ना, तो ये क्या है आपने देख लिया, अब दो टैंकों के लिए हो गया, सेकेंडरी फर्स्ट टैंक एंड सेकेंड टैंक के लिए हो गया। देन अभी यहाँ पे टू टू पोर्ट बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम कर देते हैं थ्री, तो ये हमारा जो हो गया हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक के लिए जाता है यहां से, और ये टू हो गया, यहां पे हम करते हैं फोर, तो ये हमारा ऑक्सिलरी टैंक। ऑक्सिलरी टैंक एक ऐसा टैंक होता है जिससे हम प्रेशर बहुत जगहों पे ले सकते हैं, जैसे आपका ब्रेक बूस्टर, सॉरी जैसे आपका क्लच का बूस्टर एंड आपका डिफरेंशियल लॉक, एग्जॉस्ट ब्रेक, सोलेनोइड, स्टेयरिंग, बहुत सारी जगहों पर हम इसका ऑक्सिलरी टैंक प्रेशर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 24 हमने 24 यानी कि 24 23 22 का हमने पोर्ट के बारे में आपको बताया है, ये ऑक्सिलरी टैंक है। देन अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारा एयर टैंक, एयर टैंक वन, ये एयर टैंक टू हमारा, ठीक है। देन ये एयर टैंक से दो पाइप निकल के जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं आपका, ये दो पाइप जाते हैं आपका निकल के ब्रेक ड्यूल वाल, ब्रेक ड्यूल वाल, जो कि ड्राइवर जिससे ब्रेक दबाता है उसको ब्रेक ड्यूल वाल बोलते हैं। तो यहां पे क्या है आपने देखा होगा, हमने बताया था जब प्रेशर निकल के कहां जा रहा है इस ब्रेक ड्यूल वाल में, तो इसका मतलब क्या है इसके एक इनपुट यानी कि प्रेशर इसके अंदर जा रहा है, तो उसका हम यहाँ पर नंबर डालेंगे वन, ठीक है वन डालेंगे। लेकिन इनपुट कौन से टैंक से आ रहा है, प्राइमरी टैंक यानी कि पहले टैंक से, तो यहाँ पे हमारा पावर हो गया 11। देन सेकेंड वाला है गया, यहाँ पे हमारा क्या है हम डालेंगे यहाँ पे वन, यानी कि वन का मतलब हो गया इनपुट, और मतलब टू नंबर टैंक यानी कि सेकेंडरी, ये टू नंबर टैंक हो गया। तो यहाँ 11 और 12 नंबर पोर्ट हमें ब्रेक ड्यूल वाल पे मिल गया है। देन उसके बाद उसमें से ब्रेक ड्यूल वाल में से दो पोर्ट और होते हैं, वो पोर्ट का क्या काम होता है वो समझते हैं। यहाँ पे क्या आएगा टू, क्यों, क्योंकि आउटपुट प्रेशर ब्रेक दाबने से प्रेशर बाहर निकलेगा, तो हम टू को आउटपुट, और देन यहाँ पे भी टू आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे हम 21 यानी कि 1, क्योंकि टैंक नंबर फर्स्ट से ये प्रेशर अपना आ रहा है और प्राइमरी यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये है हमारा ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक एक्टिवेटर, स्प्रिंग ब्रेक इसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर या ब्रेक कुप्पा भी, बहुत सारे लोग इसको ब्रेक कुप्पे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या नंबर पड़ा होगा इन, यानी कि इसके अंदर जा रहा है ना, तो इसका मतलब एक, और कहाँ कौन से टैंक से आ रहा है यानी कौन से प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है मतलब कैसा है, तो यहाँ पे हम आएगा वन यानी कि फर्स्ट नंबर टैंक, तो यहाँ पे 11 नंबर आपको पोर्ट मिलेगा। देन अभी सेकेंड नंबर ये आप देख रहे हैं, ब्रेक स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में दो पोर्ट होते हैं जिसको बोलते हैं कुप्पे के अंदर, दो पोर्ट होते हैं, दो होल्स होते हैं जिसको हम दो पाइप उसमें लगाते हैं, तो सेकेंड पाइप हमारा जो जाता है वो किसके लिए जाता है, हैंड ब्रेक से कनेक्टेड होता है वो हैंड ब्रेक। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक आएगा यानी कि प्रेशर इन हो रहा है, और टू नंबर यानी कि सेकेंडरी यानी कि बहुत कम जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है लेकिन ये वाला जरूरी है, इसमें सेकेंडरी हमने इसको यूज किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे बचा है टू हमारा, तो टू मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फ्रंट ब्रेक चेंबर, ब्रेक चेंबर यानी कि फ्रंट आगे जो लगा होता है फ्रंट ब्रेक चेंबर, तो इसके टू इसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या आएगा टू कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी टैंक से आ रहा है या सेकेंडरी टैंक से आ रहा है या सेकेंडरी है, ज्यादा जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है मतलब कुछ इसलिए सेकेंडरी माना गया इसको सेकेंडरी टैंक। तो हमारा ये स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेक चेंबर, और ये हमारा हो गया स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती थी, इसीलिए मैंने आपको इन पोर्ट्स के बारे में बताया है और समझाया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों को इस पोर्ट के नंबरों के बारे में नॉलेज हो और अपना अपने काम करने में परफॉर्म बेटर से बेटर परफॉर्म दे सकें।
तो मैं आपको और भी एक वीडियो आपको और भी बनाऊंगा, बना के दूंगा, जिसका नाम होगा रिले, रिले और रिलीज आपका बनाऊंगा, क्विक रिले वॉल एंड क्विक रिलीज वॉल, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ रिले वॉल के ऊपर। रिले वॉल इस तरीके से होती है, उसमें ऐसे पोर्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, चार पोर्ट दिए होते हैं, यानी कि दो, आपने देखा होगा मैंने सिर्फ सिंगल ब्रिंग स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर बनाया है, मतलब सिंगल कुप्पा बनाया है, सिर्फ एक तरफ का, एक टायर की तरफ का कुप्पा बनाया है। अगर दो बनाता मैं तो यहाँ पे हम स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर की जगह यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक रिले बनाने वाला हूँ, यहाँ पे ये ब्रेक का प्रेशर पाइप इधर आएगा, देन एक पाइप इधर आएगा और दूसरा पाइप हमारा ऑक्सिलरी टैंक से जाएगा, ऑक्सिलरी टैंक से डायरेक्टली प्रेशर के लिए होता है, और दूसरा पाइप हमारा स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के लिए जाएगा, तो दूसरे टायर की तरफ लगा होता है ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा होता है आपका कंट्रोल, यानी कि CON, यहाँ पे आपका लिखा होगा रिजर्व, यहाँ आपका रिजर्व लिखा होगा मतलब प्रेशर हमेशा स्पॉट में रहेगा, और यहाँ पे आपका लिखा होगा डिलीवरी, DL, और यहाँ पर भी आपका लिखा होगा सेकंड पोर्ट पर DL, डिलीवरी, मतलब इन पोर्टों में प्रेशर जाएगा, यहाँ प्रेशर हमेशा रहेगा, और इसमें पोर्ट में प्रेशर, ब्रेक दाबने पर प्रेशर आएगा और ब्रेक छोड़ने पर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये रिले वॉल्व लगा हुआ है। अभी एक बनाते हैं रिलीज वॉल्व, क्विक रिलीज वॉल्व, क्विक रिलीज वॉल्व, ठीक है, क्विक रिलीज वॉल्व में भी हम दो पोर्ट बनाते हैं सिर्फ, एक दो, क्विक रिलीज वॉल्व को हम यहाँ पे हैंड ब्रेक में हमने यूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्विक रिलीज वाल्व को हमने बनाया है, क्विक रिलीज वाल्व का क्या काम होता है, जल्दी हैंड ब्रेक वाल्व को अप्लाई करके देन हैंड ब्रेक वाल्व से प्रेशर यहाँ से रिलीज करते हैं, यहाँ से प्रेस प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो गाइज ये इसको बोलते हैं हम रिलीज वाल्व, ये इसको बोलते हैं रिले वाल्व। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।